ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की आराधना करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और हर कष्ट दूर होता है। पूरी दुनिया में गणेश जी के कई मंदिर हैं, जहां हर रोज लाखों लोग गणेश जी की आराधना करने आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योत्सना और आप देख रहे हैं हमारा धार्मिक चैनल भक्ति सरोवर। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी हर बाधा को दूर कर जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यूं तो भगवान श्री गणेश के बहुत सारे मंदिर हैं, जहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश के कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में जहाँ से कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आइए जानते हैं श्री गणेश जी के ऐसे ही 15 अलौकिक मंदिरों के बारे में। सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई। भगवान गणेश को सिद्धि विनायक भी कहा जाता है और इसके पीछे भी एक कथा है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की जिन मूर्तियों में उनकी सूंड दाई ओर होती है, उनके ऐसे मंदिर को सिद्धि विनायक मंदिर कहा जाता है। सिद्धि विनायक का यह मंदिर मुंबई के प्रभादेवी इलाके में है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 1612 में कराया गया था। यह मंदिर 5 मंजिला है, जिसमें अस्पताल भी है, जिसमें मुफ्त इलाज किया जाता है। इसके अलावा इसमें रसोई घर, प्रवचन गृह और गणेश संग्रहालय भी है। श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई मंदिर, पुणे। पुणे के शिवाजी रोड पर बना ये मंदिर भक्तों की आस्था को दर्शाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत के सबसे पुराने, प्रसिद्ध और धनी गणेश मंदिरों में यह मंदिर सबसे ऊंचे स्थान पर है। इस मंदिर का निर्माण पुणे के एक प्रसिद्ध दगडू शेठ नामक हलवाई द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में हर साल अक्षय तृतीया के दिन अम्बा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें गणपति जी को लाल सुनहरे आमों का भोग लगाया जाता है। कनिपक्कम विनायक मंदिर, चित्तूर। इस मंदिर को 11वीं सदी में बनाया गया था और इसे बनवाया था चोल राजा कुलोतुंग चोल प्रथम ने। इस मंदिर के पीछे भी कई कहानियां और मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति का आकार रोज बढ़ता रहता है। ऐसा मानते हैं कि पिछले कई सालों से उस मूर्ति का पेट और घुटना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा मानते हैं कि कनिपक्कम गणेश जी के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। मनाकुला विनायगर मंदिर, पौंडीचेरी। ऐसा माना गया है कि इस मंदिर को 1666 से भी पहले बनवाया गया था। पौंडीचेरी में स्थापित इस मंदिर में गणपति का मुंह सागर की तरफ है। बहुत पुराने होने के कारण इस मंदिर को लोग बहुत मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ फ्रांसीसी शासन था और उस दौरान फ्रेंच लोगों ने इस मंदिर पर कई बार हमला किया। उन्होंने कई बार इस मूर्ति को समुद्र में डुबोने की कोशिश की, पर वो मूर्ति हर बार बाहर आ जाती थी। इस मंदिर में गणेश जी का 10 फीट ऊंचा रथ है। इसे 7 किलोग्राम सोने से बनाया गया है और हर साल दशहरे वाले दिन गणेश जी की मूर्ति को इसमें रखकर भ्रमण कराया जाता है। त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर, राजस्थान। गणेश जी के इस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति का रंग नारंगी है और इसमें 3 चक्षु हैं। इस मंदिर के दर्शन के लिए विदेश से बहुत अधिक लोग आते हैं। यह मंदिर 1000 साल पुराना है। पूरी दुनिया में यह एक ही मंदिर है जिसमें भगवान गणेश के पूरे परिवार को स्थापित किया गया है। इस मंदिर में गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि व अपने पुत्रों शुभ और लाभ के साथ शुभायमान हैं। मंडई गणपति, पुणे। पुणे में गणेश मंडल को बहुत माना जाता है और मंडई स्थान के गणेश मंडल को अखिल मंडई गणपति भी कहा जाता है। यहाँ का गणेश महोत्सव देखते ही बनता है। इस मंदिर की शोभा को देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। उच्ची पिल्लयार मंदिर, रॉक फोर्ट। तमिलनाडु राज्य के त्रिची शहर के एक पहाड़ के शिखर पर यह मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए 417 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहां रोजाना भगवान गणेश की 6 आरतियां की जाती हैं। इस मंदिर में कई उत्सव मनाए जाते हैं, किंतु 10 दिन के गणेश चतुर्थी को यहां बेहद उल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जाता है। मधुर महागणपति मंदिर, केरल। इस मंदिर की कथा बेहद दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पहले शिव जी का मंदिर था, किंतु यहाँ के पुजारी के छोटे से बेटे ने भगवान गणेश की मूर्ति को बनाया
कुछ समय के बाद इस मूर्ति का आकार बढ़ने लगा और इसके बाद से ही इस मंदिर को माना जाने लगा। इस मंदिर का अपना महत्व और खासियत है। गणेश टोक गंगटोक सिक्किम। गणेश जी का यह मंदिर गंगटोक सिक्किम के गंगटोक नाथुला रोड से 7 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर 6500 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है और यहां से पूरे शहर का नजारा अच्छे से देखा जा सकता है। मंदिर का यह स्थान भक्तों और पर्यटकों दोनों के लिए दर्शनीय है। यही कारण है कि यहां रोजाना भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर। यह मंदिर बेहद लोकप्रिय है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो गणेश जी की मूर्ति है उसे जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम की रानी के मायके मावली से सन 1761 में लाया गया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय भी यह मूर्ति 500 साल पुरानी थी और उसे गुजरात से लाया गया था। इसके बाद गणेश जी के इस मंदिर को बनवाया गया जहाँ आज भी यह प्राचीन मूर्ति स्थापित है। साक्षी गणेश मंदिर वाराणसी। साक्षी गणेश मंदिर वाराणसी का प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहां हर साल होने वाली पंचकोसी की यात्रा करता है वो इस मंदिर में जरूर आता है और यहां गणेश जी के दर्शन जरूर करता है। ऐसी मान्यता मानी जाती है कि इस मंदिर के दर्शनों के बाद ही इस यात्रा को पूरा माना जाता है। खजराना मंदिर इंदौर। इंदौर के विजयनगर से कुछ दूर खजराना चौक पर भगवान गणेश का यह मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसे अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। इस मंदिर के साथ अन्य भी कई मंदिर स्थित हैं। यहाँ रोज 10,000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ आकर लोगों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। बोहरा गणेश मंदिर राजस्थान। यह भगवान गणेश के पुराने मंदिरों में से एक है जो अभी राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में है। इस मंदिर की अपनी मान्यताएं और कथाएं हैं। इस मंदिर के साथ प्रसिद्ध मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय स्थित है। श्री वरद विनायक मंदिर महाराष्ट्र। गणेश जी का यह मंदिर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कोल्हापुर क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें नंददीप नाम का एक दिया जलता है जो पिछले कई साल से जलता आ रहा है। ऐसा मानते हैं कि इस मंदिर में वरद विनायक का नाम लेते ही सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री मयूरेश्वर मंदिर पुणे। पुणे से 80 किलोमीटर दूर इस मंदिर में भगवान गणेश ने राक्षस सिंदूरासुर का वध किया था। उन्होंने मोर की सवारी करके उस राक्षस से युद्ध किया था, इसलिए यहाँ पर गणेश जी को मयूरेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर में 4 द्वार हैं जिन्हें सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग और कलयुग का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश के प्रसिद्ध मंदिरों पर आधारित आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमें आपके द्वारा किए गए कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्री गणेश जी के इन प्रसिद्ध मंदिरों की जानकारी हो। ऐसी ही अन्य धार्मिक कथाओं के बारे में जानने के लिए कृपया हमारा चैनल भक्ति सरोवर जरूर सब्सक्राइब करें। एक नए रोचक वीडियो के साथ हम आपसे जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।